हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के चैप्टर 7, ठीक है, रिवेट रिवेटेड जोड़ एंड वेल्डेड जॉइंट्स, ठीक है, यानी रिवेट रिवेटेड जॉइंट्स एंड वेल्डेड जॉइंट्स के पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको कई पार्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% इस चैप्टर से MCQ टाइप का क्वेश्चन पुट अप होगा, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दो प्रकार के रिवेट होते हैं। अब कौन कौन से, तो देखिए बनावट के आधार पर और हेड के आधार पर, ठीक है। तो जो बनावट के आधार पर है और हेड के आधार पर, तो देखिए जो बनावट के आधार पर हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो देखिए जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड हुआ और होलो हुआ, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, होलो यानी खोखला, और बिफर्केटेड भी होता है, ठीक है, बिफर्केटेड यानी दो शाखाओं वाला कह सकते हैं, ठीक है, दो शाखाओं वाला होता है। अब बात करें हेड के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत कई आते हैं, ठीक है, तो जैसे स्नैप हुआ, ठीक है, स्नैप हेड रिवेट हो गया, उसके बाद पेन हेड रिवेट हो गया, पेन हेड विथ टेम्पर नेक रिवेट हो गया, ठीक है, और फ्लैट काउंटर संक रिवेट हो गया, और राउंडेड काउंटर संक हेड रिवेट हो गया, ठीक है, और फ्लैट काउंटर संक रिवेट हो गया, इस तरह के कई सारे आते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग इसे इतना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपसे सीधा पूछेगा तो टाइप्स पूछेगा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिवेट का प्रयोग दो या दो से अधिक डैट डैश को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो क्या जोड़ने के लिए किया जाता है, तो हमारा इस इम्पटी वाली जगह पर क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, तो क्या आएगा, तो ऑप्शन ए है प्लेटो, ठीक है, तो ऑप्शन बी है रेखाओं, ऑप्शन सी है दिशाओं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसको जोड़ने के लिए, तो प्लेटो को, ठीक है, तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो रिवेट क्या करता है, दो या दो से अधिक प्लेटो को जोड़ने के लिए किया जाता है, किसका यूज, तो रिवेट्स का, ठीक है, याद रखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिवेट मुख्य रूप से बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, ऑप्शन है मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील, क्या माइल्ड स्टील, ठीक है, और ऑप्शन बी है तांबा, ठीक है, यानी कॉपर बोल सकते हैं, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी सभी के बने होते हैं, ठीक है, जो रिवेट होते हैं वो मुख्य रूप से सभी के बने होते हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सभी के बने होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिवेटिंग तथा वेल्डिंग किस बंधक के अंतर्गत आते हैं, यानी किस फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है स्थाई, ऑप्शन बी है अस्थाई, ऑप्शन सी है अर्धस्थाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो रिवेट होता है, ठीक है, रिवेट जो रिवेटिंग होता है और जो वेल्डिंग जो होता है, ठीक है, वेल्डिंग दोनों ही क्या होते हैं, जो हमारा परमानेंट फास्टनिंग होता है उनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिवेट का कौन सा भाग टेपर होता है, तो कौन सा भाग यानी टेपर कहलाता है या टेपर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है हेड, ऑप्शन बी है सैंक, ऑप्शन सी है टेल, ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी, तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, टेल, ठीक है, मतलब जो हमारा पुच होता है, ठीक है, क्या पुच, तो ये हमारा टेपरित भाग कहलाता है, क्या टेपरित पार्ट्स कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है, टेपर भाग क्या कहलाता है, तो टेल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो रिवेट होता है एक प्रकार का बोल्ट टाइप का मान सकते हैं, ठीक है, बोल्ट टाइप का। अब देखिए जो बोल्ट होता है तो ऊपर का जैसे हेड होता है, ठीक है, हेड ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है, इसमें भी रिवेट में भी, और जो हमारा बीच वाला भाग होता है, ठीक है, बीच वाला भाग वो क्या कहलाता है, तो वो सैंक कहलाता है, ठीक है, और देखिए सैंक, और अगर बात करें कि नीचे वाला भाग क्या कहलाता है सबसे, तो वो हमारा जो टेपरित भाग होता है नीचे वाला, वो टेपरित भाग होता है वो टेल कहलाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिवेट किस आकार का होता है, मतलब किस आकृति का होता है, ठीक है, शेप पूछ रहा है, तो किस आकार का होता है, तो ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है शंकुआकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर क्या होते हैं रिवेट, बेलनाकार ही होते हैं, ठीक है, बेलनाकार आकार के होते हैं, तो याद रखेंगे जो हमारा सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप के याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
यदि प्लेट की मोटाई टी एमएम में हो, मतलब मिलीमीटर में, ठीक है, तो रिवेट का व्यास यानी डायामीटर कितना होगा? क्या होगा डायामीटर? ठीक है, क्या पूछ रहा है? डायामीटर पूछ रहा है, तो क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है 5√TMM, ऑप्शन बी है 6√TMM, ऑप्शन सी है 3√TMM, ऑप्शन डी है 4√TMM। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 6√TMM। ठीक है, अब देखिए, बहुत बढ़िया, ये तो 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको रट लीजिए, 6√TMM। ठीक है, अगर देखिए बात कर एमएम में है, ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर एमएम की जगह अगर सेंटीमीटर दे देता, क्या देता? सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? तो हमारा आंसर हो जाता 1.91√T। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कहा जाए, इन सेंटीमीटर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर बात कर रहा है एमएम में, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिवेट जोड़ यानी रिवेट जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं रिवेट जॉइंट? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कौन कौन से। तो देखिए, फर्स्ट होता है लैप जॉइंट, लैप जॉइंट, और जो सेकेंड होता है वो हमारा बट जॉइंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो लैप जॉइंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो लैप जॉइंट जो होता है वो हमारा जो, जैसे देखिए बट जॉइंट और लैप जॉइंट दोनों को ही बताएंगे। ठीक है, तो लैप जॉइंट जो होता है जैसे चढ़ाव टाइप का, ठीक है, मतलब हिंदी में चढ़ाव कैसे कह देंगे, ठीक है, चढ़ाव, जो चढ़ाव जोड़ होता है वो हमारा लैप जोड़ लैप जॉइंट कहलाता है। ठीक है, और बट जॉइंट जो टक्कर जॉइंट होता है, टक्कर जोड़। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसे सही समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए लैप जॉइंट क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर, जैसे दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप होता है। ठीक है, मतलब देखिए हम आप लोग बता दें, सपोज मान लीजिए ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ये ओवरलैप है। ठीक है, ये वाली प्लेट, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये लैप जॉइंट कहलाती है। क्या? लैप जॉइंट। ठीक है, इस जोड़ को क्या कहते हैं, तो लैप जोड़ कहते हैं। ठीक है, चढ़ाव जोड़, देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है एक प्रकार से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए अगर बात करें बट जॉइंट की, ठीक है, बट जॉइंट की, तो देखिए बट जॉइंट यानी टक्कर जोड़, ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, अब प्लेट जो है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक प्लेट ये आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है क्या, बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट। अब देखिए जो ये प्लेट होती है, ठीक है, ये क्या कहलाती, ये स्ट्रैप कहलाती, क्या कहलाती, स्ट्रैप। ठीक है, अब देखिए जो सिंगल, अगर सिंगल स्ट्रैप लगा दिया जाए ऊपर प्लेट में, तो क्या हो जाएगा, तो वो मतलब एक ही पंक्ति में लगा दिया जाए तो सिंगल स्ट्रैप रिवेटेड बट जॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर यहाँ नीचे से भी लगा दिया जाए, ठीक है, तो दो हो जाएंगी, दो स्टेप हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे डबल रिवेटेड बट जॉइंट कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका उसमें भी होगा लैप जॉइंट में, किस में, लैप जॉइंट में। ठीक है, लैप जॉइंट में भी इसी प्रकार होगा कि अगर एक ही पंक्ति में होती हैं तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता है। ठीक है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, और दो पंक्ति में तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, अगर तीन पंक्ति हैं तो ट्रिपल रिवेटेड रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिवेट जोड़ में प्लेट के एक सिरे से निकटतम दूरी, ठीक है, वाले रिवेट के केंद्र की दूरी प्रायः रखी जाती, कितनी दूरी रखी जाती है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा देखिए ऑप्शन दिया है 1D, ऑप्शन बी है 1.5D, ऑप्शन सी है 2D, ऑप्शन डी है 3D। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1.5D। ठीक है, यानी जहाँ पर डी हमारा क्या है, नॉमिनल डायमीटर है। ठीक है, आकलित व्यास याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से आकलित व्यास है। ठीक है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिवेट जोड़ की प्लेट के एक सिरे से रिवेट के केंद्र तक की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी मार्जिन। ठीक है, क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है, मार्जिन यानी सीमा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है,
तो याद रखेंगे। तो अगर PDF आप लोग को चाहिए ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक पर आप लोग ज्वाइन हो जाएं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।